अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बीए का पेपर भी हो चुका है आज, बीकॉम का भी हुआ, बीएससी का। मैंने आपको बीएससी कुछ की आंसर दी थी दोस्तों। अब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बीए का। दोस्तों जो पेपर हुआ है उसकी मैं आपको बताऊंगा आंसर। तो पेपर मैंने देख लिया, अभी आपके सामने आ जाएगा ये। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुँच जाएँ। इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा जहाँ मैं आपको बताऊँगा पेपर को देखते हुए कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है। तो पेपर आपके सामने आ गया होगा, आप शुरू करते हैं। आंसर देख लीजिए आपने क्या क्या आंसर किए हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर आया था, ये थोड़ा सा पैराग्राफ था, वर्च्यू। दोस्तों यहाँ मतलब वर्च्यू का ऑपोजिट क्या होगा दोस्तों, इसका इसका होगा वाइस। तो नेक्स्ट सवाल आया था, तो वेन का मीनिंग दोस्तों क्या होगा। तो वेन का मीनिंग होगा दोस्तों यूजलेस। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको आया था, दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपका, वेन इज अ, दोस्तों ये होगा सिनोनिम। वेन भी आपका होता है मतलब यूजलेस, और आइडल भी होता है यूजलेस। नेक्स्ट दोस्तों सवाल आपका आया था, आप पिक द, आपको होता है डिपेंड्स ऑन का आपका फ्रेजल वर्ब। तो इसका आंसर होगा रिलाई, इसका आंसर दोस्तों बी होगा रिलाई। सो नेक्स्ट सवाल आपका आया था, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब पंक्चुअलिटी क्या है, प्रोनाउन है, कंडक्शन है। दोस्तों ये नाउन है, ये भी सही लगा दोस्तों आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था इनमें से दोस्तों, द मॉनसून विल स्टार्ट, तो स्टार्ट का मतलब होता है सेट इन। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, सेट आउट। दोस्तों ये भी होता है लेकिन उसका मतलब अलग होता है, ये होगा सेट इन। तो नेक्स्ट सवाल होगा, द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर द 15th of August। बी दोस्तों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, देर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्पेस, तो इसका आंसर होगा डी, इन द स्पेस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, क्राइम, क्राइम इज अ प्रॉब्लम इन मोस्ट बिग सिटीज, दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों अगला है, आई फील सिक, आई विश आई हैड नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन, ए दोस्तों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका आया था, देर इज समबडी बिहाइंड अस, आई थिंक वी आर बींग फॉलोड। ये सवाल दोस्तों रिपीट आ गया है, वी आर बींग फॉलोड, लास्ट ईयर भी वाला सवाल आया था। सो नेक्स्ट सवाल आया था, द वुमेन वॉज कैरिंग अ स्मॉल एंड ब्लैक प्लास्टिक बैग, दोस्तों बी इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था, वी वर वोकन अप, वी वर वोकन अप बाय अ लाउड नॉइज, दोस्तों ये इसका आंसर होगा ए। सो नेक्स्ट सवाल आपका आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट ऑफ गार्डनर, गार्डनर का मतलब होता है इकट्ठा करना, दोस्तों इसका आंसर होगा वेस्ट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था, किंडा डज नॉट लुक वेरी वेल, आई एम वरीड दोस्तों फॉर हर, क्या होगा, आई एम वरीड फॉर हर, बी इसका दोस्तों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, लेट अस गो आउट, इट इज नॉट रेनिंग नाउ, दोस्तों इसका आंसर बी होगा। सारे दोस्तों आंसर बी भी हैं, जिनने बी लगा दी हूँ तो के उसके मजे आ गए होंगे दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको बताना है सही ऑर्डर दोस्तों क्या होगा। तो सही ऑर्डर इसका होगा सी दोस्तों, क्योंकि और किसी से ऑप्शन नहीं बन रहा, माई कंप्यूटर ब्रोक डाउन, आई हैड टू राइट माई एसे। तो अगर होता तो होता ए डी सी बी, ए डी सी बी कहीं दोस्तों है ही नहीं, दोस्तों इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको आया था, पर्टर्ब का एंटोनिम, दोस्तों पर्टर्ब का एंटोनिम होगा अश्योर करना, ये दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल बताना था, किस पार्ट में मिस्टेक, दोस्तों इसका आंसर होगा, इसका आंसर सी होगा, आई शैल बाय वन ऑफ द रेडियोज दैट इज नॉट, आई शैल बाय वन ऑफ द रेडियोज ऑन सेल, तो इसका आंसर होगा सी, सी पार्ट में दोस्तों इसमें एरर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आपका यहाँ पर, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ भी आया था, हर्षद अलोंग विद हिज, दोस्तों इसका आंसर होगा सी, ओके सिक्स सी, दोस्तों ये आपका हाइफन नहीं आ गया यहाँ पर, सिक्स सी एन नहीं होगा, तो ये गलत है। दोस्तों इसके बाद आया था आर्काइक का नियरेस्ट मीनिंग, उसका आंसर होगा डी, बिलोंगिंग टू द एन अर्ली पीरियड आर्काइक। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था, समवन हु मेक चैरिटेबल, तो इसका आंसर होगा फिलैंथ्रोपिस्ट। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव अवे द प्राइजेस, इसका आंसर ए होगा। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों था, दीप्ति इज नॉट टू गुड इन स्टडीज, इसका आंसर होगा इशी। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों होगा, द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी लेस दे शुड, दोस्तों इसका आंसर होगा शुड। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आपको, इनमें से कौन सा सही है, सही होगा अब्दुल कलाम आज़ाद, दोस्तों इनकी बुक थी तर्जुमानुल कुरान, उन्होंने किया था। नेक्स्ट सवाल आया था, हु वॉज सेंट एज प्रॉफिट टू द पीपल ऑफ आद, कौम आद को भेजे गए थे।
सो नेक्स्ट सवाल आया था, ये सवाल भी दोस्तों रिपीट है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम दोस्तों जॉब है अय्यूब, ये सवाल रिपीट था। सो नेक्स्ट सवाल है शिराज हिंद दोस्तों, इसका आंसर है जौनपुर। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था सक्सेसर ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, इसका दोस्तों होगा ए मोहम्मद बिन तुगलक। सो नेक्स्ट सवाल आया था फर्स्ट सल्तनत दोस्तों ये थी आपकी स्लेव डायनेस्टी, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ला मोहम्मद इकबाल ओरिजिनली हेल फ्रॉम कश्मीर, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों था द रियल नेम ऑफ मुजद्दद अली थानी दोस्तों, इसका आंसर होगा अहमद, ये इसका आंसर है बी। सो नेक्स्ट सवाल था आपको इजिप्ट वॉज कॉन्कॉर्ड, ये दोस्तों ये होगा हजरत उमर। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों था राबिया अल अदाविया दोस्तों, ये एक मिस्टिक वुमेन थी राबिया अल अदाविया बसरा की। दोस्तों मिर्ज़ा गुलाम डाइड 1908, ये मिर्ज़ा गुलाम का सवाल भी दोस्तों यहाँ दिया हुआ कादियानियों का। द लास्ट ऑफ द चेयरमैन इसका आंसर होगा अब्दुल रहमान सामरी, ये सवाल भी दोस्तों रिपीट है 19 में सवाल आया हुआ है, कुछ रिपीट भी आए हैं दोस्तों इसके अंदर थे। द रेनाउंड इंडियन स्कॉलर हु फर्स्ट स्टैंडर्ड दोस्तों, इसका आंसर होगा शाह वलीउल्लाह। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द प्रोमिनेंट स्कॉलर अलबरूनी दोस्तों, ये इसका आंसर होगा मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल था आपका द कुवत इस्लाम बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, आसान सवाल था ये कर लिया होगा बहुत लोगों ने। द टॉम्ब ऑफ शेख शरीफ रिश्ती, ये भी आसान था, फतेहपुर सीकरी में है ये। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों यहाँ पर द कैपिटल ऑफ फारूकी दोस्तों, इसका आंसर होगा बुरहानपुर, ये सवाल थोड़ा मुश्किल था, कमी लोग कर पाए होंगे इसको। सो नेक्स्ट सवाल था तैमूर इन इंडिया 1398, सही आंसर ये है। तहजीबुल अखलाक दोस्तों 1870 में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आप मुमताज महल दोस्तों, मुमताज महल कौन थी, अर्जुमन बानो थी उससे ये मुमताज महल। सर सैयद केम फ्रॉम गाजीपुर टू बोले, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली 1864 है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है शेख याहिया, ये बहुत डाउटफुल सवाल है दोस्तों, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होगा या तो तिजानिया होगा या आपको यसविया होगा, तो इसमें उसको मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि ये कहीं मिल भी नहीं रहा है, बहुत ही अंदर से सवाल आया है, इनके नाम भी नहीं सुना किसी ने। ऑथर हयात जावेद दोस्तों, अल्ताफ हुसैन हाली सर सैयद की बायोग्राफी हयात जावेद दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है चिराग दहलवी का नाम दोस्तों, इसका आंसर होगा सी नसीरुद्दीन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है विकारुल मुल्क का रियल नेम दोस्तों, इसका आंसर होगा मुश्ताक हुसैन, मौलवी मुश्ताक हुसैन थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आपको मोहल्ला क्लिनिक दोस्तों, ये दिल्ली में है, बहुत फेमस है मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में। हु रोट विंग्स ऑफ फायर दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम, बहुत ही फेमस सवाल है ये, आसान भी है। AITUC के फाउंडर दोस्तों, इसका आंसर होगा NM जोशी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है ऑपरेशन क्लीन आउट दोस्तों, ये होगा ऑफ मंगूज, प्रोटेक्शन ऑफ मंगूज से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों था वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन नियॉन दोस्तों, ये इसका आंसर होगा सैमसंग एंड स्टार लैब्स। सो ये सवाल कैपिटल ऑफ नाइजीरिया दोस्तों, इसका आंसर होगा अबुजा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है लेज फैक्ट थ्योरी, जो इसका आंसर होगा इंडिविजुअलिज्म, सी इसका आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है, इसका आंसर होगा प्लूटो। सो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ आया था यूरोपियन पहले कौन आए थे, पहले आए थे पोर्चुगीज, वास्को डी गामा वाज द पोर्चुगल पोर्चुगीज। बायोलॉजिकल नेम हाउस फ्लाई का दोस्तों होता है यहाँ मस्का डोमेस्टिका। सो नेक्स्ट सवाल था कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म दोस्तों, ये होगा सेरिकल्चर, आसान सवाल था, कई लोगों ने कर लिया होगा। अशोक का इंस्क्रिप्शन आर इन प्राकृत लैंग्वेज, ये प्राकृत में है ज़्यादातर। चरक कौन था दोस्तों, ये था फिजिशियन, बहुत फेमस फिजिशियन चरक। नेक्स्ट सवाल दोस्तों एंशियंट हिंदू रिलीजन पंच, तो ये आपका सवाल 2019 का है, नेशनल हेरिटेज है पाकिस्तान में। तहजीबुल अखलाक दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था, सवाल दो बार आ गया, एक बार डेट आई एक बार ही आ गया। तो ब्रिटिश गवर्नर कौन तो कौन था, ये था चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के टाइम में। किराया सिस्टम दोस्तों ये था आपका वाटर सप्लाई ऑफ वाटर। सो लेट रेड सॉइल इज रेडिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दोस्तों, इसका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। सो नेक्स्ट सवाल है आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये आपका है ट्रॉपिकल मानसून टाइप, थोड़ा सवाल अंदर से आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है अकॉर्डिंग टू 2019 दोस्तों ये दिल्ली होगा, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर दिल्ली था, थिंक दिल्ली था। लोनार लेक दोस्तों ये महाराष्ट्र के अंदर है।
द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, दोस्तों ये झारखंड होगा मोस्ट प्रोबेबली, इसका आंसर झारखंड ही होगा। नेक्स्ट सवाल 74 का दोस्तों आंसर होगा फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, दोस्तों ये यूएसएसआर ही होगा इसका आंसर। सैम मानेकशॉ दोस्तों ये होगा 1971 की वॉर थी ये। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम दोस्तों ये क्रिकेट का, ये हैदराबाद के अंदर है। नाथुला पास दोस्तों ये सिक्किम में है, नाथुला पास सिक्किम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, दोस्तों इनकरेक्ट कौन सा है दोस्तों, उत्पल दत्त फिल्म से हैं, शंभू महाराज कथक, दोस्तों ये अमीर खुसरो सरोद को तो नहीं, ये सितार से हैं, थोड़ा ताल्लुक इनका कव्वाली से। दोस्तों ये पंचायती राज दोस्तों ये 73 से आया था 1992 के अंदर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट सब कमेटी, उसका आंसर होगा जे बी कृपलानी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों नेशनल नेशनल वोटर्स डे दोस्तों ये होता है 25 जनवरी को होता है। सो फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल के अंदर है, 51A के अंदर है। नेक्स्ट सवाल था दोस्तों यहाँ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दोस्तों सोलर कैलकुलेटर एक्ट ऐप दोस्तों ये डेवलप की है इसरो ने, बी इसका आंसर है। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन दोस्तों, इसका आंसर होगा इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन दोस्तों इंडिया कैसे होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होता है। इंडियन गवर्नमेंट को मैक्सिमम रेवेन्यू आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट दोस्तों होता है परचेज ऑफ सेल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी लिंक विद जुडिशियल एक्टिविज्म है दोस्तों ये। विच फेमस रिटर दोस्तों ये बहुत फेमस था, अभी आया दानिश सिद्दीकी के बारे में, इनको मारा गया था अभी। दीपक दोस्तों इसका आंसर होगा B65। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है इनमें दोस्तों क्या आएगा, ये क्यूब नंबर आ रहा है 7125 आएगा दोस्तों। कंप्लीट करना है आपको सीरीज, ये होगा आपका जे क्यू हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों था इनमें से क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा मुश्किल था समझनी, इसका आंसर होगा 72, प्लस कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा 112। तो नेक्स्ट सवाल था आपका इफ यू आर दोस्तों ये इसका आंसर होगा 17 होगा बी। सो नेक्स्ट सवाल आपका इसका आंसर होगा बी 96 है दोस्तों, बी होगा। 97 का दोस्तों ए होगा, इसका आंसर ए होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों उसका आंसर आई थिंक डी होगा, ए नहीं ए होगा, सॉरी ए होगा इसका आंसर। सो 98 का आंसर जो है वो होगा 25 किलोमीटर साउथ। सो 99 का आंसर होगा नीस, और दोस्तों लास्ट का आंसर है 100 का बी। उससे मैंने बताया आपको सारे आंसर, आपने नोट कर लिए होंगे सारे आंसर ऑलमोस्ट ठीक होंगे। इसके बाद उसकी दोस्तों वीडियो आएगी जहां मैं बताऊंगा आपको कट ऑफ पेपर को देखते हुए इस बार क्या रह सकती है, तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा आप, अगली वीडियो का वेट करिएगा, जल्दी आपको मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।